ओम शांति। इस वीडियो में हम प्रोफाइल में लैंड एंड बिल्डिंग में डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करना है वो देखेंगे। ये स्क्रीन ओपन होने पर सिस्टम हमें बताएगा कहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे यहाँ पर रेड क्रॉस है, जहाँ भी ये क्रॉस साइन होगी वहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए इंडिकेटर के लेफ्ट में जो एरो बटन है उसे हम क्लिक करेंगे तो स्क्रीन ओपन होगा जहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं ये सिस्टम हमें बताएगा। अब हमारा मकान अगर किराए पर है तो हमें रेंट अग्रीमेंट अपलोड करना है, तो हम यहाँ पर ये सिलेक्ट करेंगे। ब्राउज करके जो हमने फाइल पहले से स्कैन करके रखी थी उसे सिलेक्ट करेंगे। फिर हमें रेंट अग्रीमेंट के केस में हमें अग्रीमेंट का पीरियड भी डालना होगा। ओनर का नाम डालें और सेव कर। अगर हमारे पास रेंट अग्रीमेंट नहीं है तो हम देखेंगे। देखिए जैसे ही हमने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया यहाँ पर वो रेड निकल के ग्रीन टिक हो गया। अगर हमारे पास रेंट अग्रीमेंट नहीं है तो हम यही एरो सिलेक्ट करके यहाँ पर नो में क्लिक करेंगे और यहाँ पर रीजन डालेंगे, रेंट अग्रीमेंट नॉट रिक्वायर्ड, ओके कर देंगे। तो यहाँ पर ये येलो और क्रॉस मार्क आ गया। अभी अगर हमारा मकान फ्री यूज में है तो यहाँ पर क्लिक करने पर सिस्टम हमें बताएगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पर रीयूज लेटर हमें अपलोड करना है। हमारे पास रीयूज लेटर है जो हमने पहले से ही सेव करके रखा है, उसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर और कोई भी एडिशनल डिटेल्स हमें नहीं डालनी। अब ये अगर इस वर्ष में कोई प्रॉपर्टी ऐड हुई है कैश बुक द्वारा, समझो हमने खरीदी है या गिफ्ट पे ली है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर नहीं है। मतलब हमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रोफाइल में अपडेट नहीं करने हैं क्योंकि वो ऑलरेडी हमने कैश बुक में जब एंट्री करते हैं उस वक्त एंट्री के साथ में अपलोड कर दी। अगर पिछले वर्षों का कोई प्रॉपर्टी है जो हमने खरीदी है या गिफ्ट में मिली है तो वहाँ पर वो ये रेड क्रॉस इंडिकेटर आएगा, तो आपको उस केस में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। हो सकता है मधुबन में आपने सेल डीड या जो भी डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपर्टी के वो पहले ही जमा कर दिए होंगे, तो उस केस में अगर मधुबन से वो अपलोड हो चुके हैं तो वहाँ पर वो ग्रीन मार्क आ जाएगा, तो आपको फिर से वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं रहेगी। इस तरह से प्रोफाइल एंट्री में लैंड एंड बिल्डिंग में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अच्छा, ओम शांति।